नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक माहिती देने वाला हूँ जो कि आने वाले दो चार दिन के बाद जो चुनाव होने वाला है उसमें आपको बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, ये जो चुनाव है वो है द म्युनिसिपल बैंक, इसका जो संचालक मंडल है इसका चुनाव करना है पंचवार्षिक के लिए आने वाले 20 से लेकर 25 के लिए। तो इसके लिए आपको किस तरह से मतदान करना है ताकि आपका जो मत है वो वैलिड हो और किसी आपके जो दोस्त है या आपके जो पैनल है उसको आप विजय दिला सकते हैं, इसके लिए आपको किस तरह से मतदान करना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आने वाले 17 दो मतदान होने वाला है और उसमें जो उम्मीदवार है एक पैनल में या फिर स्वतंत्र रूप से भी, इस तरह से आपको 19 उम्मीदवारों को चुन के देना है। अब 19 उम्मीदवारों को किस तरह से चुनना है तो इसकी कुछ कैटेगरी बनाई गई है, जैसे सर्वसाधारण गट यानी ओपन कैटेगरी। तो उस ओपन कैटेगरी में आपको सिर्फ 14 मत देना है, 14 मत आपको उस ओपन कैटेगरी में देना है। अगर 14 से ज़्यादा अगर आप मतदान करते हैं तो वो आपका जो मत पत्रिका है वो बेकार हो जाएगा, यानी उसको इनवैलिड माना जाएगा। दोस्तों, इस मत पत्रिका का कलर होगा सफ़ेद कलर, व्हाइट कलर का ये मत पत्रिका होगा, जिसमें आपको याद रखना है कि सिर्फ 14 उम्मीदवारों को ही आपको मतदान करना है, चाहे वो आपके दोस्त हो चाहे वो पैनल हो। अगर दोस्त है तो उसका नाम आपको पता होगा और पैनल है तो उसका आपका चिन्ह और उसका नाम आपको याद रखना है। और सिर्फ सर्वसाधारण गट में आपको सिर्फ 14 मतदान करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। दोस्तों, उसके बाद है दूसरा गट, वो है अनुसूचित जाति जमाती। दोस्तों, इसका जो मत पत्रिका है उसका कलर है नीला। तो इस नीला मतपत्रिका जो है उसमें सिर्फ आपको एक मतदान करना है, एक से ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप एक से ज़्यादा करते हैं, दो तीन लोगों को आप मतदान करते हैं तो आपका वो मतपत्रिका इनवैलिड माना जाएगा और आपका मतदान करना बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, यानी उस मतपत्रिका में आपका मतदान काउंट नहीं होगा। दोस्तों, उसके बाद है तीसरा क्रमांक OBC यानी इतर मागा स्वर्गीय। यहाँ पे भी आपको एक ही मतदान करना है, चाहे उम्मीदवार कितने भी हो उनमें सिर्फ आपको एक ही उम्मीदवार को मतदान करना है। और इस मतपत्रिका का जो कलर है वो है पीला कलर। तो इस पीले कलर के मतपत्रिका में सिर्फ आपको एक करना है, एक ही व्यक्ति को मतदान करना है, एक से ज़्यादा नहीं करना है। एक से ज़्यादा करोगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा है भटकिया जमाती। तो इस भटकिया जमाती जो गट है इसमें आपको सिर्फ एक मतदान करना है और इसका जो कलर है मतपत्रिका का वो है हरा, यानी ग्रीन कलर के मतपत्रिका के ऊपर आपको सिर्फ एक मतदान करना है, एक से ज़्यादा नहीं करना है। एक से ज़्यादा करेंगे तो वो आपका इनवैलिड माना जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आ जाता है महिला राखीवगट यानी महिला रिजर्वेशन। तो इसमें दोस्तों आपको सिर्फ दो मतदान करना है, दो ही लोगों को मतदान करना है, दो से ज़्यादा नहीं, चाहे वो उम्मीदवार कितने भी हो। अगर आप दो से ज़्यादा लोगों को मतदान करते हैं तो वो आपका जो मत है वो इनवैलिड हो जाएगा और आपका मतदान करना वहाँ पे व्यर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी बातों को आपके ध्यान रखना है कि कौन से मतपत्रिका में आपको कितने मतदान करना है। यही आपने अगर ध्यान में रखा, उनका नंबर ध्यान में रखा या आपके उनका चुनाव चिन्ह ध्यान में रखा तो आप बहुत ही सहजता से आप मतदान कर सकते हैं बिना कोई गलती करे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहकारी लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको ये सब जानकारी पता हो और उनके द्वारा जो दिए जाने वाला बहुमूल्य आपको मतदान है वो, या आपका जो मतदान आप अपने दोस्तों को या अपने सहकारियों को जो देना चाहते हैं वो आपका बहुमूल्य मतदान सही जगह पर जाए और उसका उपयोग हो, इसके लिए आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।